रेडियो अरावली 90.4। अरावली 90.4 FM, अरावली बजेगा मौसम बनेगा। आप सुन रहे हैं रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज पर मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी द्वारा तैयार कार्यक्रम अदृश्य अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र की। ओपन 43 पर साइबॉक्स की रोजाना सर्विस करने वाले लूम्स ने स्ट्राइक कर दी। उन्होंने सदियों के शोषण को खत्म करने की मांग की। लोकेश ने उनकी मांगों पर चर्चा का वचन दिया। इससे ओपन 43 पर लूम्स को लेकर साइबॉक्स में गंभीर वाद विवाद छिड़ गया। यश और वंदन ने इस मुद्दे में जनता की रुचि का गलत फायदा उठाया। उन्होंने सिलिका 3 के माध्यम से दोनों पक्षों को भड़काया। ओपन 43 में लूम्स के खिलाफ हिंसक वारदातें होने लगी। स्थिति को संभालने के लिए लोकेश ने लूम्स के मांगों पर चर्चा टाल दी। लोकेश के इस निर्णय से लूम्स में गुस्से की लहर दौड़ गई। अब आगे लूम्स के लीडर्स माजलूम और अलाई लूम लोकेश के निर्णय के बाद। लोकेश ने हमारे साथ धोखा किया है। मैंने कहा था ना तुमसे अलाई, हमें उस दिन काम पे वापस नहीं जाना चाहिए था। माज, लोकेश ने हमें धोखा नहीं दिया है, वो अभी भी हमारे पक्ष में है। उसे मजबूर किया गया हमारी मांगों पर चर्चा को स्थगित करने के लिए। अलाई, लोकेश की चाल को समझो, मजबूरी सिर्फ बहाना है। लोकेश कभी लूम्स की मांगों को पूरा नहीं करेगा, साइबॉक्स कभी नहीं बदलेंगे। वो सदियों से हमारा शोषण करते आए हैं, तुम्हें लगता है अब वो बदलेंगे? हमें ही बदलना पड़ेगा अलाई, अब चुपचाप शोषण सहने का वक्त निकल गया है। अब लूम्स पर हुए हर वार का बदला लिया जाएगा। हिंसा से कोई फायदा नहीं होगा मास, हमारी तरफ से हिंसा होगी तो उन्हें एक और कारण मिल जाएगा हमें दबाने का। तुम डरपोक हो अलाई, हिंसा बहादुरी नहीं होती मास, हिंसा से हमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। हमें संयम और सहयोग से काम लेना चाहिए। तो करो तुम इंतजार लोकेश के सहयोग का। मुझे समझ में आ गया है कि लूम्स को अपना भविष्य खुद बदलना पड़ेगा। मैं भी लूम्स का भविष्य बदलना चाहती हूँ माज, पर मेरा मानना है कि हमें धैर्य से काम लेना होगा। जब सामने वाला तुम्हारे धैर्य का फायदा उठाने लगे तो उसको सबक सिखाने में ही समझदारी है। माज लूम ने अलाई लूम के संयम बरतने की बात नजरअंदाज कर दी। वो अपने साथियों को फिर से बगावत के लिए तैयार करने में जुट गई। उधर ऑर्डर 1 पर जिपर ओपन 43 पर कड़ी नजर रखे हुए था। वो लूम्स को लेकर चल रहे विवादों का फायदा उठाने को बेकरार था। वो अपना प्लान लेकर कैप्टन नी के पास पहुंचा। कैप्टन नी, ओपन 43 के लूम्स ने बगावत कर दी है। सुना मैंने, अपने लूम्स तक पे तो कंट्रोल नहीं है लोकेश को। कहने के लिए वो चीफ है, पर ध्यान से जिपर, ऑर्डर 1 के लूम्स को ऐसे ऊट पटांग आइडियाज न आने पाए, कहीं वो भी बगावत न कर दें। हमारे यहाँ न सिलिका 3 है और न SF3, बगावत कैसे ही होगी फिर? मतलब ओपन 43 पर इन्फो पैकेट्स पढ़कर कुछ अलाय लूम और माज लूम जागरूक हो गए। फिर इन दोनों ने सिलिका 3 पर लूम्स की हालात पर इन्फो पैकेट्स बनाए। ये पैकेट्स लूम्स ने पढ़े और काफी सारे साइबॉक्स ने भी। फिर लूम्स की हालत सुधरने की चर्चा होने लगी सिलिका 3 पर। ये सब फैक्ट्री के बाहर हुई वारदात से पहले हुआ? जी कैप्टन, इंजीनियर की नौकरी मांगने वाले लूम को जैसे ही साइबॉक्स ने डीएक्टिवेट किया, अलाय और माज लूम ने मिनटों में इस खबर को सिलिका 3 के जरिए दूर दूर तक पहुंचा दिया। रातों रात हड़ताल का आइडिया सिलिका 3 पर ही बना और चंद घंटों में ओपन 43 के सब लूम्स को पहुँचाया गया। और अगली सुबह ओपन 43 के हर कोने में लूम्स ने काम करने से मना कर दिया। यानी अगर सिलिका 3 नहीं होता तो लूम्स स्ट्राइक नहीं कर पाते। कर पाते, पर इतनी जल्दी और इतनी तेजी से नहीं, और शायद इतनी एकता से भी नहीं। SS3 तो हमारे भी कुछ इलाकों में पहुंचता है। चिंता ना करें कैप्टन,
मैंने SS3 का ट्रांसमिशन पूरी तरह से बंद कर दिया कैप्टन। जैसे ही कोई SS3 के इन्फो पैकेट्स पढ़ते हुए नजर आता है, उसे और उसके परिवार को हम तुरंत डीएक्टिवेट कर देते हैं। शाबाश। अब ये बताओ कि लूम्स के मुद्दे का हमें क्या फायदा हो सकता है? मैंने लूम्स के लीडर माज लूम से संपर्क किया है और उसे अपने कमांड काउंसिल पर सीट का ऑफर दिया है। दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? सिर्फ ऑफर है कैप्टन, मेरा कोई इरादा नहीं है उसे काउंसिल में सीट देने का। मैंने उसके सामने ये शर्त रखी है कि वो ऑर्डर 1 पर अकेली नहीं आएगी, अपने लूम्स फॉलोवर को साथ लेकर आएगी ऑर्डर 1 पर हमेशा के लिए। इससे हम एक तीर से दो निशाने मार पाएंगे। एक तरफ लोकेश के दुश्मन हमारे कब्जे में होंगे और दूसरी तरफ ओपन 43 में लूम्स की कमी से डेली सर्विसिंग बंद हो जाएंगी और वहां के साइबॉर्ग्स को बीमारियां जकड़ लेंगी। ओपन 43 वाले भूल गए लूम्स को काबू में रखना कितना जरूरी है। माजलूम मान गई है ऑर्डर 1 आने के लिए। माजलूम इस वक्त लोकेश से बदला लेने के लिए बेचैन है, तो वो जरूर मेरे ऑफर के बारे में सोचेगी। मैंने उससे वादा किया है कि हम हर लूम का फ्री में आम स्क्रीन्स अपग्रेड करेंगे, वो जरूर आएगी। पर मुझे शक है कि अलाय लूम और उसके साथी आएंगे ऑर्डर 1 पर। चलो माजलूम ही सही, कुछ तो लूम्स लाएगी अपने साथ। जिपर का प्लान सफल हुआ। माजलूम ओपन 43 के आधे लूम्स को लेकर ऑर्डर 1 चली गई। ओपन 43 के लोग इस घटना से भौचक्के रह गए। लोकेश ने प्रोटोकॉल बेस पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में आए किया मल्ला, दादी श्वेत और शूर नहार। क्या वाकई में ओपन 43 के आधे लूम्स ऑर्डर 1 चले गए हैं? तुम्हारी रिपोर्ट क्या कहती है किया? हाँ दादी श्वेत, लगभग आधे लूम्स ओपन 43 छोड़कर ऑर्डर 1 पर बसने के लिए चले गए हैं। जिपर ने माज लूम को अपनी कमांड काउंसिल में शामिल करने का वादा किया है और सब लूम्स को आर्म्स स्क्रीन के लिए फ्री बैटरीज दी है। माज लूम ने जिपर पर भरोसा कर लिया? और क्या उम्मीद थी तुम्हें लूम्स से लोकेश? मुफ्त में बट रही चीजों को मना किया है उन्होंने कभी? एक लूम नहीं है अदृश्य पर जिसे खैरात पसंद नहीं। ऐसा नहीं है शूर, अलाई लूम ने काफी लूम्स को ओपन 43 पर ही रोक लिया है। उसे पता है कैप्टन नी और जिपर अपने वादे पूरे नहीं करेंगे। लूम्स को दिए हुए वादे तो हमने भी पूरे नहीं करे। आप ठीक कह रही हैं दादी श्वेत, मुझे शूर के दबाव में नहीं आना चाहिए था। माज लूम के जाने के बाद ओपन 43 पर लूम्स की कमी हो गई है लोकेश, लोगों की सर्विसिंग नहीं हो रही है और बीमारियां फैलने लगी हैं। शूर, देख रहे हो नतीजा लूम्स की हालत न सुधारने का? मुझे दोष मत दो, तुमसे नहीं संभले ओपन 43 के लूम्स। संभाल रहा था मैं, तुमने दबाव डाला मुझ पर लूम्स की मारपीट करके। लोगों ने गुस्से में आकर लूम्स को सबक सिखाया, इसमें मेरी क्या गलती है? किस बात का सबक? सदियों से होते है शोषण रोकने का सबक, अत्याचार न सहने का सबक, अपनी जिंदगी को सुधारने का सबक। किस सबक की बात कर रहे हो तुम शूर? अपने दायरे से बाहर निकलने का सबक, ये सोचने का सबक कि वो उसी जिंदगी के हकदार हैं जो हम नाहर जीते हैं। तुम होते कौन हो किसी का दायरा तय करने वाले? ओपन 43 के हर नागरिक एक समान है, सबको हक है ट्रेनिंग सेंटर जाने का और कोई भी काम करने का। तो ढंग से मांगते अपने हक, स्ट्राइक पर जाकर बात बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? बात तुमने और मैंने बिगाड़ी है शूर, अपने वादे से मुकर के। बात बिगाड़ने के सबसे बड़े दोषी तो कहीं बैठे अश्व गिन रहे हैं। आप किसकी बात कर रही हैं दादी श्वेत? बुरा मत मानना लोकेश, पर यश और उसके सिलिका 3 ग्रुप्स ने आग में घी डाला और इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया कि ये नौबत आ गई। मैं दादी श्वेत की बात से सहमत हूँ। यश के इन्फो पैकेट्स ने दोनों तरफ के लोगों को बहुत भड़काया। उसने लूम्स की बात लोगों तक ठीक से पहुँचने ही नहीं दी, जिसकी वजह से लूम्स पर अटैक हुए। हम भूलते जा रहे हैं SS3 और सिलिका 3 का मकसद। तुम्हें यश से बात करनी पड़ेगी, वो अश्व बनाने के लिए सिलिका 3 का गलत इस्तेमाल कर रही है। उसने स्पेसशिप 3 पर अटैक के टाइम पर भी ऐसा ही किया था। ठीक है दादी श्वेत, मैं बात करता हूँ यश से। किया, तब तक तुम अलाई लूम से कहो कि वो आज से प्रोटोकॉल कमेटी की मेंबर है और हम कल ही लूम्स की मांगों पर चर्चा करेंगे। शूर, नाहर, तुम और हम सब लूम से उन पर हुए हमलों की माफी मांगेंगे। नाहर कभी किसी से माफी नहीं मांगते।
शूर अपनी गलती की माफी मांगना बड़प्पन होता है, और अगर ये कारण काफी नहीं है तुम्हारे लिए तो याद रखो कि बचे हुए लूम्स भी अगर यहाँ से चले गए तो ओपन 43 पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। जब लोकेश और किया मल्ला लूम्स के ऑर्डर 1 पर चले जाने से आई मुसीबतों को सुलझाने की कोशिश में लगे थे, ऑर्डर 1 पर कैप्टन ने बहुत खुश था। लोकेश को अच्छा सबक सिखाया हमने, अब लोकेश को एक और सबक सिखाने का प्लान है। कौन सा प्लान? ओपन 43 का एक इलाका है R28, दूर दराज का इलाका है, वहाँ पर सिलिका 3 या SS3 भी नहीं पहुँचता। तो वहाँ के लोग ओपन 43 के अन्य इलाकों से कटते जा रहे हैं। मतलब ओपन 43 पर सारे काम, सरकारी, पढ़ाई लिखाई, व्यापार, सब सिलिका 3 पर होने लगा है, पर R28 इन सब का फायदा नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ अभी तक सिलिका पाइप्स नहीं बिछे हैं। वहाँ की जनता पहले ही गरीब थी, अब सिलिका 3 से वंचित, वो और भी पिछड़ती जा रही है। तो तुम्हारा क्या इरादा है? मैं वहाँ जाने की आज्ञा चाहता हूँ। क्यों? ताकि मैं वहाँ की जनता को बता सकूँ कि लोकेश उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, वो जानबूझकर उनके विकास के लिए काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो गरीब है। वो क्यों मानेंगे तुम्हारी बात? क्योंकि मेरी बात में सच्चाई है। बाकी एरियाज के विकास में व्यस्त लोकेश और प्रोटोकॉल कमेटी R28 की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। ओपन 43 में होते हुए भी R28 इतना पिछड़ा है मानो R28 अलग ही दुनिया है। बात में दम है तुम्हारी, उपेक्षित लोगों को भड़काना आसान होता है। R28 के लोगों को भड़का कर उन्हें ओपन 43 और लोकेश के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाना है, और क्योंकि R28 का इलाका हमारे बॉर्डर से सटा हुआ है, मुझे वहां जाने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तुम R28 जा सकते हो, पर किया मल्ला से बच के उसके हाथ मत लग जाना गलती से, उसकी नजरें बहुत तेज है। माना किया मल्ला तेज है, लेकिन R28 पर सब कुछ इतना धीमा है कि उसके जासूस वहाँ की निगरानी ठीक से नहीं कर पाते। मुझे R28 पर किया मल्ला से कोई खतरा नहीं है। फिर तो इस काम को जल्द से जल्द अंजाम देना चाहिए, तुम कल ही निकल जाओ। जी कैप्टन। जाने से पहले ये तो बताते जाओ इस मजलूम और इसके साथ आई जनता का करना क्या है। उसका इंतजाम कर दिया है मैंने उन्हें टुकड़ियों में बांटकर अलग अलग इलाकों में भेज दिया है, तो वो अब आपस में बात नहीं कर सकते, और बात नहीं करेंगे तो बगावत कैसे होगी। और मासलूम? जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया लूम्स ने, हमने मास को बंदी बना लिया, हमें उससे कोई खतरा नहीं है। शातिर दिमाग है तुम्हारा जिपर, अब जाओ R28 को काबू में लाओ, फिर देखते हैं लोकेश की कितनी इज्जत करती है ओपन 43 की जनता। रेडियो अरावली 90.4। आप सुन रहे हैं रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी द्वारा तैयार कार्यक्रम अदृश्य, अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र की। रेडियो अरावली 90.4। हेलो दोस्तों, अभी आपने सुना अदृश्य अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र का 8वां एपिसोड। मैं हूं रूपाल और मेरे साथ हैं मोनिका और हमारे दोस्त रोबोटेन। हेलो दोस्तों, माजलूम ने लोकेश को सबक सिखाने के चक्कर में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। हाँ मोनिका, लोग अक्सर यही गलती करते हैं, जब वो किसी चीज से नाखुश होते हैं वो उसकी अच्छाइयों को भी भूल जाते हैं। मोनिका, मैंने नोट किया है कि वैसे तो कप्तानी बहुत बहादुर है, पर मीडिया सोशल मीडिया से बहुत डरते हैं, चक्कर क्या है? खुल के बोलने, इंटरनेट मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब एक ही चीज के अलग अलग पहलू हैं। इनके द्वारा समाज के हर वर्ग के पास तथ्यों पर आधारित जानकारी जाती है। यह तो कोई डरावनी चीज नहीं लगती। खुली जानकारी का जादू हमने ओपन 43 पर देखा। सोशल मीडिया पर उपलब्ध सूचना और ज्ञान की मदद से लूम्स ने अपने साथ होते हुए शोषण के बारे में बातचीत बढ़ाई,
फिर एकजुट होकर उन्होंने इस शोषण के खिलाफ आवाज भी उठाई। माजलूम की इस बात के लिए उसकी सराहना करनी पड़ेगी। कई लोग अपने साथ होते अत्याचार के बारे में चुप रहते हैं, शायद डर की वजह से। इंतजार करते हैं कि कोई आकर उनकी स्थिति सुधारेगा, पर ऐसा होता नहीं है। लोगों को खुद ही पहल करनी होती है अपना जीवन बदलने के लिए, फिर ही समाज बदलेगा। और इसमें सिलिका 3 यानी कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। जो चीज़ पहले लोग समझते नहीं थे, आज टीवी, अखबार, इंटरनेट की वजह से उस पर बेहतर चर्चा हो पाती है, क्योंकि इंटरनेट जैसा माध्यम मौका देता है पिछड़े वर्ग के लोगों को, औरतों को, कि वो अपनी बात खुद सबके सामने रखें अपने तरीके से। सिर्फ ये ही नहीं रूपाल, इंटरनेट के द्वारा दुनिया के अलग अलग कोने में बसे लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ईमेल, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल जैसी सुविधाएं इंटरनेट पर चलती हैं। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर भी इंटरनेट पर उपलब्ध है, और इन सुविधाओं ने दुनिया को एक चौपाल बना दिया है, जहां आप अलग अलग देशों के लोगों से संबंध बना सकते हैं। पता है इंटरनेट पर मेरी फेवरेट सुविधा कौन सी है? गूगल जैसे सर्च इंजन, कोई भी सवाल टाइप करो तुरंत जवाब आ जाता है। किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो वो चुटकी में हाजिर। इसके अलावा हम लोग इंटरनेट पर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर, फोटोग्राफी, खेती, वीडियो बनाने जैसी कई चीजें फ्री में सीख सकते हैं। खुद के वेबसाइट्स बनाकर दूसरों को सिखा भी सकते हैं या व्यापार कर सकते हैं। मैं तो न्यूज़ भी इंटरनेट पर ही पढ़ता हूँ मोनिका। खबरें इंटरनेट पर इतनी तेजी से आती हैं, और वैसे मुझे भी ये पुराने अखबार के पन्नों से पढ़ने में मजा नहीं आता। मैं भी इतनी मॉडर्न नहीं हूँ, मगर सबसे बड़ी बात, इंटरनेट पर हम सरकारी फॉर्म भर सकते हैं, बिल भर सकते हैं, जैसे कि फोन, बिजली, पानी, टैक्स इत्यादि। आजकल तो हम पैसों का आदान प्रदान भी इंटरनेट पर कर सकते हैं। बैंक का सारा काम घर बैठे हो सकता है, लंबी लाइनों में लगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे तो इंटरनेट पर शॉपिंग करना और खाना ऑर्डर करना सबसे अच्छा लगता है, घर बैठे सब कुछ हाजिर। इंटरनेट पर खरीदने बेचने की सुविधा से छोटे व्यापारियों को बहुत फायदा हुआ है, खासकर COVID-19 से लगे लॉकडाउन के दौरान। जब बाजार बंद हो गए थे, लोगों ने अपने सामान इंटरनेट के जरिए बेचकर पैसे कमाए। एक बात बताओ मोनिका, तुम इंटरनेट के लिए मोबाइल डेटा इस्तेमाल करती हो या वाईफाई? मैं ज्यादातर वाईफाई, क्योंकि वह मोबाइल डाटा से तेज है। हाँ, मैंने देखा है, मैं जब भी मोबाइल डाटा इस्तेमाल करता हूँ, एक तो स्पीड कम हो जाती है, ऊपर से ये टेंशन भी कितना डाटा इस्तेमाल हो चुका है। हमारे देश में कई जगहों पर वाईफाई है ही नहीं। ये सुन के शायद तुम्हें मजा आए कि अभी हाल ही में चेन्नई और अंडमान निकोबार आइलैंड के बीच एक 2000 किलोमीटर से भी लंबी ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाई गई है। शायद अब उधर भी 4G की सुविधाएं पहुंच गई हैं। वाह, उसके बीच तो इतना गहरा समुंदर है, ये सच है? हा हा हा, ये तुम गूगल पे सर्च क्यों नहीं कर लेते रोबो? मैं भी इसकी खोज करूंगी, लेकिन आज के जमाने में इंटरनेट के बिना जीना हिमालय की चोटी पर रहने जैसा है। अगर मेरे मोबाइल फोन पर लेटेस्ट ऐप न हो तो मुझे लगता है कि मैं कितनी पीछे छूट गई हूँ। आज का जमाना है ही ऐसा मोनिका, जहाँ इंटरनेट नहीं होता वहाँ की जनता समाज से कट जाती है। R28 पर देखो ना क्या हो रहा है। R28 ओपन 43 का वह इलाका जहाँ ज़िपर अब गड़बड़ करने जा रहा है। हाँ, R28 शुरू से ही ओपन 43 का पिछड़ा इलाका था, इंटरनेट के ना होने से वह और पिछड़ गया है। वहाँ किसी भी तरह की स्कीम का फायदा नहीं पहुँच रहा है, और उनके नजरअंदाज होने का गुस्सा पनप रहा है। देखते हैं आगे होता क्या है। लोकतंत्र की खासियत है कि आप अपने नजरअंदाज होने को भी खुल के चुनौती दे सकते हैं। चीजें पेचीदा होती जा रही हैं, देखो क्या होता है। दोस्तों,
अब आज्ञा दीजिए। बाय दोस्तों। रेडियो अरावली 90.4। दोस्तों मैं हूं दिलखुश दीपक और आप सुन रहे थे अभी अदृश्य अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र की। और अब वक्त है आपसे कुछ सवालों के जवाब मांगने का। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है, अगर आपके समुदाय में इंटरनेट की उपस्थिति हो जाए तो क्या बदलाव आएंगे आपके रोज के जीवन में। दूसरा सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि डिजिटल के माध्यम से जुड़ा होना आज की दुनिया में महत्वपूर्ण है। आप अपने जवाब हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7056688904 पर, या फिर कॉल कर सकते हैं 01282250390 पर। सुनते रहिए रेडियो अरावली 90.4, ये है आपकी आवाज। मिलते हैं। अरावली 90.4 FM, अरावली बजेगा मौसम बनेगा।